आज के दौर में जहां लोग मशीनों द्वारा अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं, वहीं अलवर का पुराना मोहल्ला कहा जाने वाला रंग भरियों की गली, आज भी यहां पर लोगों के द्वारा हाथों से ही काम किया जाता है। यहां पर स्थित महक बैंगल्स करीब 200 साल से भी ज्यादा पुरानी दुकान है। इस दुकान को आज इनकी 5वीं पीढ़ी संभाल रही है। पूर्वज के टाइम से ही हो रहा है, दादा ससुर के पहले से ही, और ये 5वीं पीढ़ी चल रही है। पहले के दौर में और अब में काफ़ी डिफरेंस हुआ है। आजकल तो क्या है, फैंसी आइटम राजघराने के पहले तो, और आजकल हाथों से जो बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट, वो पहले भी बनाते थे, लेकिन आज के दौर में फैंसी आइटम ज़्यादा है। फैंसी आइटम और हाथ से जो बने हुए आइटम, उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। द्वारा जैसे नेकलेस हैं, कानों के टॉप्स हैं, अंगूठी है, वो बोरला है, रखड़ी जिसे बोलते हैं, और फैंसी कड़े, फैंसी चूड़ियाँ, ये सारे आइटम खुद बनाते हैं। हैंडीक्राफ्ट खुद है अपना, मैन्युफैक्चर हैंडीक्राफ्ट अपना खुद का है। कोई इसका सांचा नहीं है, कोई मशीन नहीं है। या तो देखो, जो लेने देने का होता है वो 20 रुपये से लेकर, और फिर उसकी कोई कीमत नहीं है। कोई चाहे 3000 का बनवाए, 5000 का बनवाए, तो ये आ गई जैसी उसको चाहिए, हैवी से हैवी। नॉर्मल सबसे कम रेट 20 रुपये, क्योंकि गली है, पुरानी गली है, सराफा बाजार से टच है। टीवी बनाते थे सोने की चूड़ियों में डालने के लिए, अब तो हम सोने की चूड़ियों में लाख डालते हैं और फैंसी लाख के आइटम तैयार करते हैं।